गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू www.dineshmiglani.com। दिस इज सेशन नंबर 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन, सोर्सेज एज वेल एज प्रीएम्बल, राइट। तो थ्री टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस सेशन एंड अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दिस टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर SSC CLAT, because in CLAT constitution plays a very important role. We are going to take only the important point so that with brief information you are able to better understand the concept, right? Let us start with the session. Under the provision of Cabinet Mission Plan 1946, the constitution was created, right? We know that 1946 Cabinet Mission Plan jo thi uske andar constitution ko create kiya gaya tha. स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में देर आर 389 मेंबर्स, ठीक है। और जो वन मेंबर था वो कैसे था, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 10 लाख के ऊपर एक मेंबर था, तो हम ये कह सकते हैं उस टाइम पर 1947 के अंदर जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी वो अराउंड 38 करोड़ के आसपास थी, राइट। आफ्टर पार्टीशन ऑफ द कंट्री अंडर माउंटबेटन प्लान of 3rd June 1947, 299 member remained in the assembly and constitution was signed by 284 member on 26 November 1949. Mountbatten plan के अंदर constitution बनाया गया था, ठीक है, जो 3rd June 1947 को finalize हुई थी, जिसमें ये finalize किया गया था कि इंडिया के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने फिर जो पाकिस्तान के पार्ट में आ रहे थे, मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो फाइनली 299 मेंबर्स तो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहे, जिसमें से 284 मेंबर्स ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था। आप प्रीएम्बल के नीचे भी पढ़ते हैं इट वाज साइंड ऑन 26 नवंबर 1949। पहली जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, दैट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी दैट वाज ऑन 9 दिसंबर 1946। स्टार्टिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी चेयरमैन एंड लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहले जो चेयरमैन थे दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली प्रेसिडेंट मेक कर दिया गया। बीएन राव जो थे ही वाज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये बेसिकली डिफाइन करता था कि हमें किन किन एरियाज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या रहेगा, किन डोमेन्स में हम लोग काम करेंगे। तो दैट वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, राइट। And the head of the drafting committee of the constitution was Dr. Bhimrao Ambedkar, because Dr. Bhimrao Ambedkar was the head of the drafting committee, isi karan Dr. Bhimrao Ambedkar is named as father of Indian constitution, right, because it is the work of the drafting committee that to write the constitution, means whatever the constitution is provided to them, they have rectified them and finally it was drafted. अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, विच वॉज लेटर रिप्लेस बाय एन माधव राव, राइट, डीपी खेतान हु डाइड इन 1948 एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय टीटी कृष्णमाचारी, राइट। तो हम ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है हु डाइड ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, डीपी खेतान, राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑन नवंबर 26, 1949, राइट। देयर फोर नवंबर 26 इज सेलिब्रेटेड एज लो डे इन इंडिया। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंडिया में जो लो डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 26, 1949, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, फाइनली साइन हो गया था,
although government chahti to on that same day constitution may be implemented and that 26 November may be the Republic Day. But reason kya tha? Kyunki 26 January 1930 se every year we are celebrating Independence Day, complete Independence Day, theek hai? And India got independent in 1947 in order to make the significance of the day, 26 November significance of the day. So our politicians have thought that 26 January ko constitution final kiya jaye, finalize kiya jaye, so that day will every year will be celebrated. So that's why 26 January is considered as the Republic Day, and the day on which it was signed, that is 26 November, that is considered as the Law Day in India. Total time taken by our constitution maker to make the constitution is 2 years, 11 months and 18 days. Ye ki direct question aa jata hai, what is the time taken by our constitution maker for writing the constitution? That is 2 years, 11 months and 18 days, right? The feature is we have the largest constitution of the world. We have taken provisions from all constitution of the world. नेक्स्ट वन इज फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देखो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं. बैग ऑफ बोरोइंग से क्या मतलब है कि वर्ल्ड में उस टाइम पर जितने भी प्रेवलेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे, वी हैव बोरोड द डिफरेंट फीचर्स फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड विच फीचर. फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट. ठीक है, अब व्हेन वी कंसीडर द फंडामेंटल राइट, तो व्हाट यू मीन बाय दिस फंडामेंटल राइट? दिस फंडामेंटल राइट फीचर वी हैव बोरोड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट. तो जो हमने फंडामेंटल राइट जो लिया था, यूएन डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट था, वहां से और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट है, फ्रॉम देयर वी हैव टेकन दिस फंडामेंटल राइट, राइट? सेकेंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. ऑल दो फंडामेंटल राइट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेयर गाइडलाइंस. ओके, तो दिस इज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था हमने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. That parliamentary system of government is taken from British constitution, क्योंकि Indian constitution पे Britishers का काफी effect रहा. We were under the Britishers, right? तो parliamentary system was obtained from them. Next one is federal structure. Federal structure is a union of state. There is a association between center and state. So that is the federal structure. So that has been taken by from Canada, right? So we have Canada. In India we have quasi federal, not exactly federal, right? We have quasi federal. Next is concurrent list, right? Concurrent list is taken from the Austrian constitution. अब देखो ये concurrent list का concept कैसे आया. हमारे पास में तीन type की list होती है, state list, central list, which is called as the union list, और third list क्या होती है? Concurrent list, right? Concurrent list से क्या मतलब है कि subject which will be common under the state as well as the center, that is said to be the concurrent list. Okay, so this feature of the concurrent list is taken from the Australian constitution. Okay, next we have parliamentary privileges, that is taken from the UK. मतलब parliament के जो members हैं, they have some privileges, that is taken from the UK. Next we have provisions of emergency. That emergency provision has been taken from Germany, okay? And amendment procedure, which is under Article 368, that is taken from South Africa. Judicial review. Judicial review means that when any law is being made by the parliament, so that may be reviewed by the constitution, that may be reviewed by the Supreme Court. So that feature is named as the judicial review. So that feature of the judicial review has been taken from the USA, right? The distribution of the power and the center and the state, that is one type of federation, that is from the Canada, right? Fundamental duties that we have inserted by 42nd amendment, that is by the USSR, okay? Supreme Court's power and organization, that is from the UK, from the USA.
The post of vice president, that is also of the USA. In USA you have vice president. Legislative procedures and parliamentary privileges, that we have taken from the UK. Concept of the procedure established by the law, procedure established by the law, this feature we have taken from Japan. So what we can say, in our constitution we have borrowed number of features from other countries, so that's why we call our constitution as a bag of borrowings, right? Next point is, Dr. Rajendra Prasad was appointed as the first president of India, of Indian Republic, till the elections, right? Till the elections, so Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. Dr. Ambedkar is considered as, because he was the head of the drafting committee, head of the drafting committee, now he is recognized as father of Indian constitution. Next, third point in this session, we are going to discuss about the preamble and the nature of our constitution. Before going to the nature, first of all, we just read the whole preamble, that will make your concept more clear. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So sometime in the questions, the order has been asked, first we have sovereign, then socialist, then secular, democratic, then republic. Okay. We call for the first thing is the justice, that is socio, economic and political, right? Then liberty, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and liberty of worship. Then equality, equality of status, equality of opportunity, and to promote among them all. And next we have fraternity, assuring the dignity of individual and unity of integrity of India. तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, लिबर्टी क्या क्या लिबर्टी है, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की. ओके, एंड देन वेन वी टॉक अबाउट द इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल. फाइव बेसिक फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. सोवरन, सोवरन मीन्स वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, हम किसी पर, कोई कंट्री हम पे रूल नहीं कर रही है. सोशलिस्ट हैं, अवर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री. सेकुलर है, मीन्स स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजियन, किसी स्टेट का कोई धर्म नहीं है. डेमोक्रेटिक है, वी हैव गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, राइट. एंड देन वी हैव रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स वी आर नॉट एसोसिएटेड टू एनी किंग, राइट, हम इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल. तो वी आर सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इज बेसिकली कंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. वी कैन राइटली सेड इट टू बी द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, दैट इज सेड टू बी द प्रीएम्बल. ओके, प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. तो हेयर द मीनिंग्स आर गिवन. रिपब्लिक मीन्स स्टेट इन विच द पीपल आर सुप्रीम, राइट. कोई हमारे यहां ऐसा नहीं कि हम किसी क्वीन के अंडर हैं, किसी किंग के अंडर हैं. ओके, तो देर इज नो प्रिविलेज्ड क्लास एंड ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सोशलिस्ट, देखिए सोशलिस्ट जो वर्ड था, वेन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट एनेक्टेड, एट दैट टाइम सोशलिस्ट वॉज नॉट इन दैट. तो दिस सोशलिस्ट वर्ड वॉज इंक्लूडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ था 1976 के अंदर, राइट. और सोशल आइडियाज वर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. जो हमारा सोशलिस्ट की फीचर है वो स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर शो होती है. सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स equal respect and equal protection to all religions by the state without any discrimination. जिसको हम एक जो brief term में ये कह सकते हैं कि the state will not have any religion. This is the basic feature of our constitution. Our secularism is based on the preamble of principle of सर्व धर्म संभावा, ठीक है. हमारा जो secularism है वो जो principle है सर्व धर्म स्वभाव, मतलब सभी धर्म, all religions are equal and we give equal respect to all religions, right. Liberty and equality are the basic tenets of the democracy
the preamble resolve of ensuring liberty of thought, expression, belief, right? All these are a part of the preambles. And for that we have Article 19 and Article 25 to 28. And when we talk about the equality, equality we have equality of law, equal protection to all, to law, to all the citizens that is provided under Article 14 to Article 18. And the democracy, concept of democracy in Indian Constitution signifies Lincoln's famous concept, a government of the people, by the people and for the people and even beyond that. So because of that we are the democratic country. And India, we have the presidential form of the government. Sorry, we have the parliamentary form of the government that we have borrowed from the UK. But in USA, we have presidential form of the government. And our preamble ensures to all the citizens, I told you in the while explaining the preamble, justice first thing, justice social, economic and political, right? Then we have liberty. Liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and liberty of worship. Similarly, it also ensures us equality, equality of status and opportunity, right? The constitution contains 395 articles, is divided into 22 parts and 12 schedules. The preamble was amended in the year of 1976, jiske baad preamble mein ek to socialism feature add kiya gaya. Then secularism is also added, right? And apart from that, integrity word is also added in the preamble. So this is end to our first session in which we have taken briefly the constitution, making a preamble of the constitution, right? As well as constitution as a bag of borrowing. We are not taking it into the depth. We are just taking those points which are generally asked in our examination so that briefly you are able to understand the whole constitution. Thank you very much.